देखिए चॉइस आपकी है, 200-250-500 किलोमीटर चल के कहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे तो बस अपने घर से निकले थोड़ी देर में पहुँच गए, समथिंग लाइक कि दरवाजे के एक तरफ आप दिल्ली में हैं, दूसरी तरफ आप नेचर के बीच में आ गए हैं, और एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल। एक हरियाणा के सोना में अरावली हिल्स के बीच स्थित है डॉक्टर भगत फार्म, जहां मौजूद है मनोहारी प्राकृतिक सुंदरता, रहने के लिए कॉटेज, पार्टी लॉन्स, प्रोफेशनल कुक और कैंप का मजा। हम फिर पहुंचे हैं सोना में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित डॉक्टर भगत फार्म में। डॉक्टर भगत फार्म एक ऐसी जगह जहां आप आ सकते हैं, परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं, और आप यहां मंसूरी और मनाली जैसा अनुभव फील करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, जो सुंदरता है, जो चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी वो शायद कहीं और ना मिले। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि हरियाली ही हरियाली आपको चारों तरफ नज़र आएंगी। ये कैमरामैन के लेफ्ट साइड में एक आपको शानदार कॉटेज मिलेगा, सारी सुविधा और फैसिलिटी के साथ आपको यहाँ सभी सर्विसेज मिलेंगी। डॉक्टर भगत फार्म उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है जो प्रकृति की गोद में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ आप न सिर्फ फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बल्कि पार्टी लॉन में बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता था कि यहाँ पे लोग बैठ के कहीं पे शाम को खाना पीना चाय वगैरह उसका अड्डा नहीं है, तो ये बैम्बू हट जो एक बन गई है, ये इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है कि लोग आ सकते हैं। इसमें कम से कम 12 से 15 लोग बैठ सकते हैं जो बैम्बू वाला है, और ये जो एक उसके आगे जो सफ़ेद एक कैंप लगा हुआ है, ये हमारे पास काफ़ी पहले का था। ये होता है कि मौसम थोड़ा गर्म है या बारिश सी है और छोटी सी पार्टी हो रही है, तो एक तो पार्टी लुक आ जाती है इसमें, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी हो जाता है वेदर से, ये है। फिर एक और समस्या थी हमारे पास यहाँ पे कि टॉयलेट्स जो थे वो कम थे और कमरों के बीच में थे, तो जो पार्टी के लिए लोग आते थे कमरों में जाते थे तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। तो अभी हमने एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना दिया ओपन में, जो बहुत सारे पर्पस सर्व करेगा। उसमें 4 वॉशरूम्स हैं, ठीक है ना, तो लोग उसमें जा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर भगत फार्म में ट्रैकिंग करने वालों और बागवानी के दीवानों के लिए बेहिसाब मौके हैं। लगभग 12 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस में सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल, फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। संतरे हैं और यहाँ बागबानी का मजा आप ले सकते हैं। ये संतरे हैं, उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर अनार के पेड़ भी हैं, और कई तरह के फल फ्रूट्स के पेड़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप घूम सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो प्रकृति है उसके मज़े आप यहाँ ले सकते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बहुत ही यहाँ पर फील्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट और सब चीज इतना परफेक्टली इन्होंने सब इतनी नेचुरल वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा नाइट स्टे यहाँ पर करके। और यहाँ बहुत ही बढ़िया, मेरा तो वैसे ही सपना था कि मैं फॉर्म पे जाके रहूँ एक फॉर्म हाउस में, तो बहुत बढ़िया रहा और बहुत ही अच्छा मैनेज कर रखा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और हम लोगों को जिस तरह का हम लोग सोचते हैं कि भाई इतने दिल्ली की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से खुले में जितना नेचुरल एनवायरनमेंट मिले हमारे को, और अच्छा स्टे के लिए भी अच्छा है सब, तो इट इज़ ए वेरी डिफरेंट एंड एटेड एक प्लेस में इतनी सारी चीज़ें मिलना, तो और स्पेशली डॉक्टर साहब ने जो मेहनत की है वो इसमें बहुत अलग से नज़र आती है। लेकिन आज हम देखते हैं तो ये स्वरूप एक अलग ही चीज़ दिखती है, ये क्रिएट करना एक हंसी मजाक का खेल नहीं है। उनके खाने के लिए इंतज़ाम करना ज़रूरी था, कुछ कमी महसूस हो रही थी, तो अब कुक्स को यहाँ पर रेगुलर वीकेंड्स पर लाना शुरू किया है, और वो आते हैं, जो गेस्ट यहाँ पे स्टे करते हैं उनकी खाने का ध्यान रखते हैं, तो वो उनका एक किया है। साथ में हम एक ओपन एयर किचन बना रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग किचन था ये काफ़ी छोटा था, तो एक ओपन एयर किचन बना रहे हैं, सेमी ओपन है, तो उसमें काफ़ी बड़ा काउंटर होगा, तो दो तीन को इकट्ठे काम कर सकते हैं, तो वो रेडी हो रहा है, उम्मीद करता 15 दिन में रेडी हो जाएगा। तो इस तरह एडिशन्स चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ आदमी की खोपड़ी है,
और सपने बुनती रहती है और कुछ ना कुछ उनको बनाते रहते हैं। एक और सवाल सर, लोग कोरोना काल में घर पर रहे और बीमार भी हुए, उसके बाद अब फ्रेश फील करने के लिए वो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, कैसे किन शब्दों में आप कहेंगे? वैसे डायरेक्ट कहना भी सही नहीं होगा कि आप इधर आ जाएं, लेकिन यहाँ आएं तो क्यों आएं? देखिए, यहाँ आने का तो वजह ये है कि एक तो प्योर नेचर है और दूसरा दिल्ली से बहुत दूर नहीं, गुड़गांव के तो बिल्कुल ही पास है और दिल्ली से भी घंटा डेढ़ का रास्ता है। बाकी जिनको दूर जाने का ड्राइव करने का शौक़ है वो दूर जा सकते हैं, लोग जा ही रहे हैं, लेकिन अभी भी होटल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। तो जो लोग नज़दीक में एक दिन के ट्रिप के लिए आना चाहते हैं, आई थिंक दिस ए वेरी आइडियल प्लेस फॉर वीकेंड, ओनली थिंग इज बुकिंग करें और आराम से आएँ, खाने का अच्छा इंतज़ाम है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।